हेलो एवरीवन मैं राकेश आज एच एस मेन्स का एक और सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ ये पॉलिटी का पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस पार्ट में इस सेक्शन में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स उनके कुछ प्लस माइनस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डी पी एस पीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज देन अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब आ, को हम बड़ा ब्रीफली कवर करेंगे हमारे मेन्स के हिसाब से तो फंडामेंटल राइट्स देखते हैं पार्ट तीन में आता है आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव और पार्ट तीन को बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया गया है एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया अब ये मैग्ना कार्टा क्या है यहाँ लिखा गया है सर आयल चार्टर चार्टर ऑफ राइट्स इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड 1215 में इशू किया था उन्होंने ये और ये था इट वाज टू स्टॉप टैक्सेस विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल ये दुनिया में पहला ऐसा कोई भी चार्टर था टू फिक्स फंडामेंटल राइट्स टू एसरटेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट गारंटीड ट्रायल्स और लीगल प्रोसेस बिफोर टेकिंग इंडिविजुअल लिबर्टी और प्रॉपर्टी दस इट बिकेम फर्स्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट सिटीजन तो ये होता है मैग्ना कार्टा जस्ट पता होना चाहिए मैग्ना कार्टा क्या होता है पार्ट थ्री को फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वहां इन्हें कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स फंडामेंटल राइट्स पोलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं फंडामेंटल इनका नाम इसलिए है क्योंकि दे आर करेंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल लॉ है लैंड का ओरिजिनली सात फंडामेंटल राइट्स थे राइट टू इक्वलिटी चौदह से अट्ठारह राइट टू फ्रीडम उन्नीस से बाईस राइट अगेंस्ट एक्सप्लाटेशन तेईस से चौबीस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पच्चीस से अट्ठाइस राइट टू कल्चरल एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ट्वेंटी नाइन थर्टी उनतीस और तीस राइट टू प्रॉपर्टी इकतीस और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बत्तीस अब ये जो इकतीस था राइट टू प्रॉपर्टी ये बाद में डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स और ये बन गया लीगल राइट फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी एट में इसे यहाँ से हटाया गया और इसे बना दिया गया आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में पार्ट ट्वेल्व में अब कुल फंडामेंटल राइट्स हैं छः ओरिजिनली थे सात राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज आर्टिकल थर्टी वन इसे रिमूव करके बना दिया गया लीगल राइट और इंसर्ट किया गया आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए के रूप में फीचर्स देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के स्टेट इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर ये इनमें से कुछ नेगेटिव करैक्टर के हैं और कुछ पॉजिटिव करैक्टर के नेगेटिव पॉजिटिव का अर्थ है कि कुछ में ये कहा गया है कि स्टेट ये नहीं कर सकता और कुछ में ये कहा गया है कि आदमी की प्रिविलेज के ऊपर बात की गई है मतलब स्टेट को ये करना है सो so, नहीं करना है डोंट एंड डू तो ये दोनों टाइप से हैं देन दे आर जस्टिशियबल इन नेचर अर्थात एग्रीव्ड पर्सन होता है अगर फंडामेंटल राइट्स का उसके वायोलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है किसी भी कोर्ट के पास जा सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है और तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट पावर आर्टिकल थर्टी टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पांच टाइप के रिट्स इशू कर सकता है उसको हम आगे देखेंगे डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जो हमने अभी बात की नॉट सेंक्रोसेंट और परमानेंट ये परमानेंट नहीं है अर्थात पार्लियामेंट इन्हें कम ज़्यादा घटा बढ़ा सकता है या पूरी तरह कर्टेल कर सकता है या रिपील कर सकता है लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और वो भी विदाउट टचिंग बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हम एक अलग वीडियो में देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छुए हुए इनको अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा दे कैन बी सस्पेंडिड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल ट्वेंटी एन ट्वेंटी वन इसके अलावा जो आर्टिकल नाइनटीन है उसके अंदर जो छः राइट्स हैं वो केवल एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान ही अगर एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तभी इन्हें कर्टेल किया जा सकता है इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है आर्म ट्रेबिलियन के आधार पर नहीं आपको पता होगा नेशनल इमरजेंसी एमरजेंसी प्रोविजन्स में हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबिलियन इन तीन आधारों पर लगाई जाती है तो अगर ये आर्म्ड रेबिलियन पे है तो आर्टिकल नाइनटीन सस्पेंड नहीं होगा ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल दिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से वाई मार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी दर एप्लीकेशन टू मिलिट्री पुलिस इंटेलिजेंस कैन भी रिस्ट्रिक्टेड बाई पार्लियामेंट आर्टिकल 33 बोलता है कि ये डिफेंस पे पैरामिलिट्री पे और पुलिस पे इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्लियामेंट और मार्शल लॉ की बात करता है आर्टिकल थर्टी फोर मार्शल लॉ मिलिट्री में होता है मिलिट्री रूल जुडिशियल रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल थर्टी टू जो हमने कहा हाई सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं आर्टिकल थर्टी टू में और हाई कोर्ट्स की हैं आर्टिकल टू टू सिक्स में सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टर एंड ग्रंटेड ऑफ गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू पावर्स अंडर आर्टिकल थर्टी टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रिट पावर यहाँ दिया गया है कि एनी वन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टी टू अगर उसके फाइले होता है फंडामेंटल राइट्स का लेकिन उसे ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने हाई कोर्ट अप्रोच क्यों नहीं किया अब आर्टिकल थर्टी टू सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है रिट इशू करने के लिए अगेंस्ट वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली अर्थात केवल फंडामेंटल राइट्स की वॉयेशन पे ही रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट लेकिन आर्टिकल ट्वेंट टू टू सिक्स में हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के अलावा और भी केसेस में रिट्स इशू कर सकता है तो इस हिसाब से हाई कोर्ट्स की पावर जो ज़्यादा हैं आर्टिकल थर्टी टू फंडामेंटल राइट है इसलिए सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता रिट इशू करने से जबकि आर्टिकल टू टू सिक्स ये डिस्क्रिप्शनरी है ये फंडामेंटल राइट right नहीं है इसलिए हाई कोर्ट मना कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट अ पर्सन थ्रू आउट द कंट्री बट हाई कोर्ट केवल उसकी इंडिविजुअल टेरिटरी में ही रिट इशू कर सकता है पांच टाइप की रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है या हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं ये सब लैटिन टर्म्स हैं हैवी स्कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन सर्चरी सर्च्योरे और कोवरंटो हैबी स्कॉर्पस होता है टू हैव द बॉडी ऑफ इलीगल डिटेंशन अगर किसी को जेल में बंद किया है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर्ट के सामने उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है और ये कोर्ट इस रेट को इशू कर सकता है कि उसकी इंडिविजुअल को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए मैंडेनेंस होता है जब कोर्ट ऑर्डर देता है किसी भी अथॉरिटी को टू वर्क टू डू देयर ड्यूटी टू ओबे देयर ड्यूटी और ये डायरेक्ट एक एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है कि इसे कीजिए इस काम को कीजिए दिस इज योर ड्यूटी ये प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट बॉडीज को इशू नहीं कर सकते इसे केवल गवर्नमेंट पब्लिक बॉडीज को ही इशू किया जाता है इसके अलावा प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को यह इशू नहीं कर सकते इसे मेंस को प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करता है कोर्ट्स को छोटे कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स को प्रोहिबिट करता है कि ये आपकी ज्योडिक्शन में नहीं है आप ज्योडिक्शन क्रॉस कर रहे हैं अपनी सीमा क्रॉस कर रहे हैं सो so, ये एक प्रिवेंटिव रिट है कि आप ये मत कीजिए डोंट डू इट डोंट क्रॉस योर लिमिट्स सो ये भी प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट बॉडीज़ या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं होती है ये ये सब पब्लिक अथॉरिटीज़ केवल पब्लिक सरकारी बॉडीज़ सरकारी इंडिविजुअल्स जो सरकारी सरकारी महकमे में नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी करते हैं उनके ही अगेंस्ट इशू होती हैं प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं होती सर्च्योरिरी की बात करें दिस इज़ टू सर्टिफाइड टू बी सर्टिफाइड ये है रिव्यू करना लोअर कोर्ट की जजमेंट्स के अगर कोर्ट को लगता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने अपनी लिमिट क्रॉस करके कोई फैसला सुनाया है तो उसे क्वेश्च कर सकते हैं या तो उस ऑर्डर को क्वेश्च कर सकते हैं या उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं कि इस केस को हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए दिस इज़ आउट ऑफ योर जुरुडिक्शन सो दिस एक्सेस ऑफ जुरुडिक्शन या लैक ऑफ जुरुडिक्शन और एफर्ट ऑफ लॉ सो ये जुडिशन को मतलब जीरोडिक्शन से अगर बढ़ के अपनी सीमा से बढ़ के कोई कोर्ट गलत फैसला सुना देता है तो उस सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट को कि आप इसके इसे हमें पेंडिंग इस केस को हमें ट्रांसफर कर दीजिए अगर वो पेंडिंग है और अगर इसका फैसला हो चुका है तो उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैश कर सकते हैं अगेंस्ट अगेन कैन नॉट बी इंडिविजुअल कैन नॉट बी इशूड टू प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडीज और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ तो ये सभी टाइप की जो रिट्स हैं नीचे की सारी की सारी ये सारी की सारी केवल सरकारी महकमे को ही इशू हो सकती हैं केवल पब्लिक अथॉरिटीज़ को ही इशू हो सकती हैं प्राइवेट अथॉरिटीज़ को नहीं हो प्राइवेट बॉडीज़ को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं हो सकती को वर्ंटो आप इस पोस्ट पे किस आधार पे बैठे हो बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर एज्यूमिंग दिस अथॉरिटी इंडिविजुअल का किसी भी पब्लिक ऑफिस में जो क्लेम होता है उसको इंक्वायर करने के लिए एक रिट इशू हो सकती है तो इट कैनॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस अगेन इट इज़ द ओनली दिस इज इम्पॉर्टेंट इट इज़ द ओनली रिट पिच कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टिड पर्सन इसमें बंदे बंदे का एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है मतलब जो भी इस रिट को के लिए इस कोर्ट में जाएगा जरूरी नहीं है उसके साथ कोई इंडिविजुअली कुछ हुआ हो तभी वो रिट इश, आ, कोर्ट में अप्रोच कर सके नहीं कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन किसी को भी लगता है किसी भी अथॉरिटी के बारे में इंक्वायर करवाने के लिए तो वो कोर्ट जा सकता है ये रिट इशू हो सकती है सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम अब डेमोक्रेटिक सिस्टम का किसी भी कंट्री में जो बेडरॉक है वो फंडामेंटल राइट्स पे ही बेस्ड है अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा ये मटेरियल और मॉरल प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल लिबर्टी को सेफ करता है रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को प्रोटेक्ट करता है सिक्यूलर फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट को ये स्ट्रेंथन करता है सोशल जस्टिस सोशल इक्वालिटी को ये कन्फर्म करता है डिग्निटी और इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट को इंश्योर करता है तो ये सब है फंडामेंटल राइट्स के सिग्निफिकेंस पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देख लेते हैं टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड टू मनी एक्सप्रेश एक हाथ से दो दूसरे हाथ से ले लो मतलब फंडामेंटल राइट्स में जो भी बातें की गई हैं वो इस टाइप की हैं कि उन्हें दिया गया है वैसे तो इंडिविजुअल्स को सिटीजन्स को लेकिन साथ साथ ये भी कंडीशन लगा दी गई है कि पार्लियामेंट उनको वापस ले सकता है सेंक्रोसेंट नहीं है परमानेंट नहीं है फंड उनका अमेंडमेंट किया जा सकता है उनको चेंज किया जा सकता है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है अलग अलग कंडीशंस में सो दिस इज गिविंग बाय वन हैंड एंड टेकिंग बैक विद अदर टू मनी रिस्ट्रिक्शंस एंड टू मनी एक्सप्लेनेशंस इट स्पीक्स ओनली अबाउट पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स आर नोवेयर जैसे कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट राइट टू वर्क सोशल सिक्योरिटी राइट टू रेस्ट लेबर लॉज ये सब की बारे में बात नहीं की गई है फंडामेंटल राइट्स में केवल और केवल पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है इस बेस पे भी इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है इसके अलावा कोई क्लैरिटी नहीं है स्टेटेड इन वेग इन डेफिनेट एंड एम्बिगस मैनर विद फ्रेजिज लाइक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट माइनॉरिटीज़ पब्लिक ऑर्डर लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए और जो फ्रेजेज हैं वो भी नॉर्मल आदमी की समझ से बाहर है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसी भी कॉमन आदमी को पूछेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो उसको समझना बहुत मुश्किल होएगा और इसको अपने हिसाब से इंपोज़ किया जा सकता है इन रिस्ट्रिक्शंस को मतलब कैसे भी इनको मोल्ड किया जा सकता है इन वर्ड्स को तो जो लैंग्वेज है उसके बारे में क्रिटिसिज्म होता है इसका लैंग्वेज डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने को ये लॉवर्स के द्वारा लॉयर्स के द्वारा बनाया गया है और लॉयर्स के लिए ही बनाया गया है ये इसके बारे में कहा जाता है नो परमानेंसी और नॉट सेंक्रोसेंट एज परमानेंट कैन कर्टेल और एबोलिश हमने बात कर दी जैसे कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी हटा दिया गया था सस्पेंड हो जाती है नेशनल इमरजेंसी में और कैन बी मिसयूज बाई पॉलिटिशियंस नेशनल इमरजेंसी में ये सबको ज्ञात है कि जब 1975 की इमरजेंसी लगाई गई थी मीजा एक्ट लगाया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1975 नेशनल इमरजेंसी तो इसका कितना बुरी तरह से मिसयूज किया गया था इस इमरजेंसी प्रोविजंस का और इस इमरजेंसी के दौरान ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं जैसे हमने पीछे बात की एक्सेप्ट ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन एक्सपेंसिव जुडिशियल प्रोसेस है जो केवल अमीरों का ही इसे साधन बना देता है सो दीज आर ऑल क्रिटिसिजम्स सो दिस वाज अ शॉर्ट लेक्चर्स शॉर्ट सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स उम्मीद करता हूँ आपके ये काम आएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग